हेलो एंड वेलकम टू ओलोक्री। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विवेक कुमार यूट्यूब चैनल में। एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। यहाँ पर अभी देश ने झेला है एक बहुत बड़ा नुकसान, यहाँ पर नेशनल लॉस यहाँ पर हुआ है। हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 4 स्टार रैंक के ऑफिसर थे जनरल बिपिन रावत, उनका यहाँ पर वो शहीद हो गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और यहाँ पर 12 लोग और भी यहाँ पर थे, जो कि उनमें से एक अभी हमारे कैप्टन जो है सर्वाइव कर रहे हैं, उनको भी वेंटिलेटर पे रखा गया है। बाकी सभी जो 13 लोग थे वो अभी शहीद हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा नेशन ने एक लॉस यहाँ पर देखा है। ये आपको पता ही है कि ये तमिलनाडु में हुआ, ऊटी के पास में वेलिंगटन इंस्टीट्यूट वो जा रहे थे। बिपिन रावत यहाँ पर उत्तराखंड के रहने वाले थे, शहडोल मध्य प्रदेश में उनकी शादी हुई, 2 उनकी बेटियां हैं। खड़कवासला पुणे से उन्होंने अपने आर्मी कैरियर की शुरुआत की थी, वहां से उनकी पढ़ाई हुई। तो ये चीजें आप सब देख चुके होंगे, लेकिन इन एक चीजों के बीच में एक चीज जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है वो हो जाती है ब्लैक बॉक्स। क्योंकि जनरल बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसकी यहाँ पर चल रही है थोरो इन्वेस्टिगेशन, और उस हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स यहाँ पर मिल चुका है। तो ब्लैक बॉक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है। ब्लैक बॉक्स के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ब्लैक बॉक्स जो होता है किसी भी विमान का एक बहुत ही ज्यादा ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बन जाता है। ब्लैक बॉक्स एक डब्बे के आकार का होता है, उसको टाइटेनियम का या स्टील का बनाया जाता है, और उसके अंदर के जो मटेरियल है उनको भी टाइटेनियम का और स्टील का ही बनाया जाता है। वो इसलिए ताकि इसका जो रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत हद तक बढ़ जाए, उसके अंदर के जो मटेरियल्स हैं वो यहाँ पर उनको डैमेज ना हो। देखिए 1953 और 1954 में क्या होता है, विमान दुर्घटनाएं जो हैं अचानक से बढ़ गई थी, दुनिया इसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंता में थी। तब यहाँ पर ये आइडिया सुझाया गया कि विमान में यहाँ पर लगाया जाएगा कि ब्लैक बुक, जो कि पायलट और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच में जो बातें हैं उनको यहाँ पर ब्लैक बॉक्स यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा। पायलट को पायलट के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है उनको भी यहाँ पर ब्लैक बॉक्स यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा। ब्लैक बॉक्स देखिए दिखने में तो यहाँ पर रेड कलर का होता है, शुरुआत में इसको रेड एग भी बोला जाता था, लेकिन इसकी जो भीतरी दीवारें हैं वो ब्लैक कलर से पेंट की जाती हैं, और जलने के बाद भी इसका कलर जो है ब्लैक हो जाता है। तो इवेंचुअली इसका नाम यहाँ पर ब्लैक बॉक्स रख दिया गया था। लेकिन आज भी अगर देखा जाए तो इसके ऊपर ऑरेंज टाइप का पेंट किया जाता है। ऑरेंज टाइप का पेंट करने का रीजन यहाँ पर ये है कि अगर आप इसके ऊपर लाइट डालते हैं, इसको कहीं पे आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑरेंज टाइप का जो कलर है वो इजीली आपको ज्यादा दूर से आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इसको आज भी ऑरेंज कलर से यहाँ पर पेंट किया जाता है। ब्लैक बॉक्स के बारे में अगर बात करें तो ब्लैक बॉक्स के 2 पार्ट होते हैं यहाँ पर, एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ब्लैक बॉक्स यहाँ पर टोटल 82 पैरामीटर्स को यहाँ पर रिकॉर्ड करता है किसी भी प्लेन के, चाहे वो हेलीकॉप्टर में हो या किसी भी पैसेंजर प्लेन में हो, उसके यहाँ पर 82 पैरामीटर्स को यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स यहाँ पर रिकॉर्ड करता है। जो इसका पहला पार्ट है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, वो यहाँ रिकॉर्ड करता रहता है कि जो जो हमारा प्लेन है वो किस दिशा में जा रहा था यहाँ पर, और किस कितनी उसकी हाइट थी जब वो उड़ रहा था, किस एल्टीट्यूड पे वो फ्लाई कर रहा था, उसकी स्पीड क्या थी, क्या हलचल थी, टर्बुलेंस कितना था, टेम्परेचर कितना था, ये सब चीजें जो है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता रहता है। और किसी भी ब्लैक बॉक्स में आपको पिछले 25 घंटे की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, बाद की डिलीट होती रहती है, नेक्स्ट एड होती रहती है, तो लास्ट 25 आवर्स का डेटा आपको वहां से मिल जाएगा। और जनरल बिपिन रावत की जो जर्नी थी वेलिंगटन से ऊटी के बीच में वो केवल 30 मिनट की थी, हेलीकॉप्टर ने 20 मिनट उड़ान भर ली थी और करीब 7 मिनट बाकी थे वेलिंगटन में लैंड करने में, तब ये हादसा हुआ। तो सारा डेटा उस ब्लैक बॉक्स में ओबवियसली मिल जाएगा। ब्लैक बॉक्स देखिए, अगर आप एक ब्लैक बॉक्स को 11,000 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी रखते हैं तो ये 1 घंटे तक यहाँ पर रजिस्ट कर सकता है। 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको रखते हैं तो ये 10 घंटे तक यहाँ पर रजिस्ट कर सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर इसका जो कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर होता है, उसमें लास्ट के 2 घंटे की यहाँ पर जो वॉइस है वो रिकॉर्ड यहाँ पर रहती है। उसमें इंजन की कैसी वॉइस थी वो रिकॉर्ड रहता है, जिससे पता चल सके कि इंजन में कोई खराबी तो नहीं आई थी यहाँ पर। इमरजेंसी का जो सिग्नल होता है उसकी वॉइस रिकॉर्ड रहती है यहाँ पर। कैबिन में जो बातें हो रही है वो यहाँ पर रिकॉर्ड रहती है। कॉकपिट में जो बातें हुई वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड रहती है। तो अभी यहाँ पर पूरा यहाँ पर अब जो थोरो इन्वेस्टिगेशन होगी, हमको होप है कि यहाँ पर जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है उसकी यहाँ पर कंप्लीट को जानकारी यहाँ पर मिल जाए। देखिए जब एक कोई प्लेन यहाँ पर क्रैश होता है और जब क्रैश लैंडिंग होकर के वो माना कि अगर गिर गया, तो एक जो ब्लैक बॉक्स होता है वो 30 दिन तक बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई के 30 दिन तक वो कंटिन्यू काम करता रहता है। वो 30 दिन तक उसके अंदर एक ब्लिंक होता है, वो ब्लिंक करता रहेगा, इंडिकेटर उसका जलता रहेगा, और 30 दिन तक वो आपको सिग्नल भी यहाँ पर भेजता रहेगा। 14,000 फीट के गहरे पानी अगर समुद्र में भी एक ब्लैक बॉक्स गिर गया है तो भी वो वहां से आपको सिग्नल भेजता रहेगा। तो कितना इंपोर्टेंट
ट्रेंड है ये ब्लैक बॉक्स, आप समझ गए होंगे। अभी हम उम्मीद करते हैं कि जो जनरल बिपिन रावत के साथ जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है यहाँ पर, उसका कंप्लीट जो इश्यूज थे यहाँ पर, क्या टेक्निकल फॉल्ट आया होगा, जो भी होगा वो देश के सामने आए। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।